प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। चौबीस घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, 6,60,000 केसेस अभी भी है एक्टिव। हरियाणा में 45,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 24 घंटे में 793 केस, 8 की मौत, 792 लोग हुए हैं डिस्चार्ज, रिकवरी रेट करीब 84%। छब्बीस अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट ने सत्र को लेकर राज्यपाल को लिखा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में देश में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। अगर हम बात करें देश में केसेस की, अगर हम बात कर लेते हैं 24,59,613 टोटल केसेस है ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा मौत का आंकड़ा 48,184 पहुँच चुका है, ठीक कितने हुए 17,50,636 लोग फिलहाल देश में अभी तक ठीक हो चुके हैं। भारत का ये ताज़ा आंकड़ा है जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केसेस कितने हैं टोटल 24,59,613, मौत का आंकड़ा क्या कहता है 48,144 लोग फिलहाल कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन रिकवरी रेट भारत में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा बेहतर, ठीक अगर हम बोले तो रिकवरी रेट में बढ़ावा हुआ है। महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना ने प्रभावित किया है, कोरोना के टोटल केसेस 5,60,126 है, मौत का आंकड़ा क्या कहता है 19,063 लोग फिलहाल कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक कितने लोग हुए हैं आपको बता दें कि 3,90,958 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं और कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तमिलनाडु की हम बात करते हैं, लगातार तमिलनाडु से जो केसेस हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, टोटल केसेस कितने हैं 3,20,355 टोटल केसेस हैं, मौत का आंकड़ा यहां पर क्या कह रहा है 5,397 जो मौत का आंकड़ा है वो है, यानी कि इतने लोग फिलहाल कोरोना की चपेट में आकर अपने जान गंवा चुके हैं, ठीक कितने हुए 2,61,459 लोग फिलहाल ठीक हुए हैं। यहां पर रिकवरी रेट कह सकते हैं और भी ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है, चूंकि जो टोटल आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा था दिल्ली में किस तरीके से सुधार हो रहा था, लेकिन केसेस फिलहाल अभी तक कितने हैं 1,49,460 टोटल ये आंकड़ा है दिल्ली का, मौत कितने लोगों की हुई है 4,167 लोगों की, लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं 1,34,318 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। पहले की तुलना में दिल्ली का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली में लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, एक दिन का आंकड़ा चौंका रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। टोटल केसेस की अगर हम बात करते हैं 1,44,775 टोटल केसेस हैं, मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है 2,280 लोग फिलहाल कोरोना के चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक कितने लोग हुए 88,786 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। गुजरात की स्थिति पर नजर डालते हैं, टोटल केसेस की अगर हम बात करें 75,482 हैं, गुजरात में हमने देखा था कि कितने लंबे वक्त तक जो है लगातार एक के बाद एक मामले जो वहां से निकलकर सामने आ रहे थे वो स्थिति को चिंताजनक बना रहे थे। मौत का आंकड़ा यहाँ पर क्या कह रहा है 2,731, लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं 58,539 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। गुजरात का जो रिकवरी रेट है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है पहले की तुलना में। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में देखिए सबसे ज्यादा केसेस भी निकलकर सामने आए थे और सबसे ज्यादा हमने देखा था कि वहां पर कंट्रोल किया गया स्थिति को और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया गया, सबसे ज्यादा टेस्टिंग राजस्थान में हुई, टोटल केसेस हम बात करें 57,414 है, मौत का आंकड़ा है 833 और ठीक कितने लोग हुए हैं 41,819 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। वहीं पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 27,936 टोटल केसेस है और मौत का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है 706 है, ठीक कितने लोग हुए हैं 17,839 लोग जो है फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं। पंजाब में स्थिति पहले से
थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिलहाल हालातों को काबू में करने की ज़रूरत है। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, टोटल केसेस यहाँ पर कितने, 11,302 टोटल आंकड़ा बता रहा है फिलहाल। मौत का आंकड़ा क्या कहता है, 143 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 7,014 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं। रिकवरी रेट यहाँ पर बेहतर है, पहले टेस्टिंग कम हो रही थी लेकिन अब टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, टोटल केसेस कितने हैं, 3,816 टोटल आंकड़ा बता रहा है, यानी कि मौत का जो आंकड़ा है वो 18 है फिलहाल। ठीक कितने लोग हुए हैं, 2,435 लोग फिलहाल अभी तक कोरोना को मात दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का ये ताज़ा आंकड़ा था, लेकिन अब चंडीगढ़ की हम बात कर लेते हैं, केसेस कितने हैं, 1,842 टोटल केसेस हैं। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 28 लोग फिलहाल कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक कितने लोग हुए हैं, 1,076 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं। यानी कि देश में फिलहाल जो स्थिति है वो कहा जा सकता है, कई जगहों में अगर हम बात करें प्रदेश में तो कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन दूसरी जगह रिकवरी रेट भी भारत का जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल केसेस 24,59,613 देश का टोटल आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मौत का आंकड़ा क्या कहता है, 48,144। ठीक कितने लोग हुए हैं, 17,50,636 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। यानी कि देश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन 24 घंटे में देश में 64,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, 1,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा स्थिति को गंभीर बनाता है, कुल 6,60,000 अभी भी एक्टिव केस है, यानी कि देश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में देश में 64,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, कोरोना का कहर लगातार देश में भी जारी है। तो ये हमने देश के आंकड़ों से आपको रूबरू कराया, अब दुनिया पे नजर डालते हैं कि देश और दुनिया के साथ क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी दिखाई दे रही है। विश्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2,80,30,340 टोटल केसेस हैं। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 7,53,467 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं, 13 लाख, आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अगर हम बात करें तो फिलहाल वो ठीक हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम विश्व की बात करते हैं तो पहले की तुलना में कहीं ना कहीं रिकवरी रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो टोटल केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, 2,80,30,340 टोटल केसेस है, और जो मौत का आंकड़ा है वो 7,53,467 है। यानी कि देश और दुनिया के साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो है तेज़ी से कोरोना महामारी में इजाफा देखने को मिल रहा है। और ठीक कितने लोग हुए हैं, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर विश्व का आंकड़ा ये बता रहा है तो इसका सीधा प्रभाव देश और प्रदेश में भी दिखाई देगा। टोटल केसेस हम बात करें, 2 करोड़ से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुँच चुका है। अमेरिका में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, अगर हम बात करें अमेरिका में जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं जो है, आपको बता दें कि टोटल केसेस जो है यहाँ पर 54,15,666 है। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 1,70,415 मौत का आंकड़ा है। ठीक कितने लोग हुए हैं, अगर हम बात करें 48,204 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। ये अमेरिका का हम आपको बता रहे हैं हाल, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि अमेरिका किस तरीके से प्रभावित हो रहा था और सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। टोटल केसेस की अगर हम बात की जाए, 54,15,666 टोटल आंकड़ा है फिलहाल अमेरिका का, ताज़ा अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मौत का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, यहाँ पर 1,70,415 लोग फिलहाल इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राज़ील की हम बात कर लेते हैं, 32,29,621 टोटल आंकड़ा है। मौत का आंकड़ा अगर हम बात करें तो यहां पर जो है 10,05,564 पहुंच चुका है, और साथ ही ठीक कितने लोग हुए हैं, 23 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहां पर ठीक हो चुके हैं, 23,56,640 लोग ठीक हो चुके हैं। ये ब्राज़ील का ताज़ा आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील में भी अब स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सी बेहतर है। रूस पर नज़र डालते हैं, 9,07,758 टोटल केसेस है। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है,
15,384 लोग फिलहाल इसकी चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक कितने लोग हुए हैं यहाँ पर, 7,16,396 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं, यानी कि रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट यहाँ पर जो रूस है वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है पहले की तुलना में। हम बात करें ताज़ा ये आंकड़ा है रूस में फिलहाल, अभी देश की स्थिति के साथ ही दुनिया में विश्व में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और ये रूस का आंकड़ा है। आप देखिए 9,07,758 टोटल केसेज है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। वहीं हम साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं, टोटल केसेस कितने हैं, 5,72,865 टोटल आंकड़ा बता रहे हैं। मौत कितने लोगों की हुई है, 11,270 लोगों की फिलहाल अभी तक मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 4,37,617 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं। ये साउथ अफ्रीका का हम आपको हाल बता रहे हैं। ईरान में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, टोटल केसेस अगर हम बात करें 3,36,324 लोग जो हैं फिलहाल वो ईरान में टोटल केसेस हैं। यहाँ पर मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 19,162 लोग फिलहाल अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आने से। लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं, यहाँ के रिकवरी रेट की अगर हम बात करें 2,92,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब सऊदी अरब की हम बात करते हैं, सऊदी अरब में स्थिति क्या कुछ बनी है, यहाँ पर 2,94,519 टोटल केसेस हैं। मौत का आंकड़ा क्या कुछ बता रहा है, 3,303 जो है लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं, देखिए ठीक यहाँ पर 2,60,393 जो लोग हैं वो फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं। तो सऊदी अरब में भी कहीं ना कहीं स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है, यहाँ पर रिकवरी रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल केसेस आप देख सकते हैं, रिकवरी रेट फिलहाल अभी किस तरीके का दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, टोटल केसेस जो पाकिस्तान है 2,86,674 है। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 3,139। और वहीं ठीक अगर हम बात करें तो 2,64,060 लोग फिलहाल अभी तक ठीक हो चुके हैं। बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं, बांग्लादेश में क्या केसेस के जो संख्या है वो क्या कह रही है, आंकड़ा क्या कह रहा है, 2,69,115 लोग फिलहाल जो है वो कोरोना की चपेट में है, टोटल आंकड़ा ये बता रहा है। मौत कितने लोगों की हुई है, 3,557 लोगों की मौत हुई है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 1,54,871 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं, यानी कि कोरोना की चपेट में आकर उसके बाद उसको मात दे चुके हैं और ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इटली में अगर हम बात करें, टोटल केसेस क्या कहते हैं, 2,52,235 जो है टोटल केसेस है, लेकिन मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 35,231 मौत का आंकड़ा है। लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं, यहाँ पर 2,02,923 लोग फिलहाल कोरोना को अभी तक मात दे चुके हैं। चीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये ताज़ा आंकड़े हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टोटल केसेस क्या है, 84,786। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 4,634 लोग फिलहाल कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं, 79,462 लोग यहां पर कोरोना को मात दे चुके हैं। नेपाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, टोटल केसेस क्या है, 24,957 है। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 95 जो है वो मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 16,837। यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर नजर नहीं आ रही है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो देश दुनिया प्रदेश में लगातार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति को चिंताजनक बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम कोशिशें की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो डराते भी हैं। इसके लिए हमें सतर्क और जागरूक रहने की भी जरूरत है। तो आज फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्या कुछ आंकड़ा कहता है, तो ऐसे में सतर्कता और सावधानी भी काफी अहम हो जाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत कर